Hello everyone, welcome back to our class. So yesterday we had discussion with the chapter number 2, that is ITF, inverse trigonometric function. So I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने वीडियो देखा होगा. चलिए तो मैं थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ उसका. रिकेप ये है कि हमने इन्वर्स फंक्शन पढ़ा था. सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन, एक फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन कब कहलाता है, जब वो वन वन एंड ऑन टू हो, मतलब बाइजेक्टिव हो, ठीक है. उसके बाद में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मीन्स सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा, उसका डोमेन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, उसका कोडोमेन और रेंज क्या होती है उसके बारे में पढ़ा. फिर उसके बाद में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो इन्वर्टिबल किस रेंज में होते हैं, उसके डोमेन को हमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, तब जाके वो जो इन्वर्स फंक्शन है वो बनता है, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो ठीक है, लेकिन वो इन्वर्टिबल कब बनता है उसके लिए हमें उसके डोमेन को चेंज करना पड़ता है. तो मैंने आपको दो टेबल बना के दी थी. पहली टेबल थी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और सेकंड टेबल थी हमारी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. एक वर्ड मैंने आपको बोला था, प्रिंसिपल ब्रांच, ये वर्ड मैंने बोला था. इस वर्ड पे आज का टॉपिक डिपेंड है, ठीक है. आज इस वर्ड को पकड़कर हम क्या करेंगे, आगे की बात करेंगे, ठीक है. सो ये प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, प्रिंसिपल ब्रांच होती है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो रेंज है उसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, ठीक है. इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी में, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. तो सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो उसके बारे में बात करते हैं. तो नया हमारा जो टॉपिक है आज का वो हम स्टार्ट करते हैं, है ना. हम आज स्टार्ट करते हैं कि ये वाइट ले लेते हैं. चलिए सो टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF. ये हमारा टॉपिक है, ठीक है. प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF, इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए, द लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटा और एनी वेरिएबल, द लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटा आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव विच लाइज इन इट्स प्रिंसिपल ब्रांच इज नोन एज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो मैं ऐसा आपको लिखवाता हूं, ठीक है. सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटा, यहां पर लिख रहा हूं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है. सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटा नेगेटिव और पॉजिटिव lies in its principal branch, या फिर हम कह सकते हैं range, principal branch या range कह सकते हैं. जो मैंने आपको second table बना के बताई थी कि देखिए साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है, कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है, सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, कोसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, वो सारी चीज़ें बताई थी मैंने, ठीक है. उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है. चलिए क्वेश्चन एक लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल लेता हूँ. जैसे बोला आपको फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट टू, ठीक है. इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो हमें प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में पता होना चाहिए. मैं एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ, है ना. वो टेबल तो एक जगह है, अपनी जगह है, लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स है मेरे पास, वो मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए वो तो याद रखनी चाहिए, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू क्लोज ब्रैकेट,
कॉस इनवर्स की रेंज होती है जीरो से पाई क्लोज ब्रैकेट। टेन की होती है जो साइन की होती है वही टेन की होती है लेकिन ओपन ब्रैकेट लग जाता है, तो माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू ओपन ब्रैकेट। जो कॉस की होती है वही कॉट की होती है लेकिन उसमें क्या कर लेते हैं ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं जीरो टू पाई। जो सेक सेक इनवर्स की रेंज जो कॉस की होती है कॉस इनवर्स की वही सेक इनवर्स की होती है लेकिन उसमें एक चीज है यानी कि जीरो टू पाई, जीरो टू पाई माइनस हमें क्या करना पड़ता है सेक कहां पर डिफाइन नहीं होता है, सेक कहां पर डिफाइन है, सेक का मतलब कॉस का उल्टा, तो वन अपॉन कॉस, कॉस 90 जीरो होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा 90 माइनस करना पड़ेगा, तो जीरो से क्लोज ब्रैकेट जीरो टू पाई माइनस 90 को माइनस कर दिया। और साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो सेम कोसेक इनवर्स की होती है केवल उसमें जीरो हटा देते हैं, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू माइनस जीरो। अब देखिए ये याद रखना थोड़ा टफ है, मैं एक टेक्निक दे रहा हूँ, टेक्निक ऐसे दे रहा हूँ, देखिए हमारे पास एक दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है, ये हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब इसके बारे में आप क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पर होता है जीरो डिग्री, ठीक है, या टू पाई, यहाँ पर कितना होता है टू पाई भी होता है और जीरो डिग्री भी होता है, जीरो डिग्री कहते हैं और टू पाई कहते हैं, यहाँ पर कितना होता है पाई बाई टू होता है, ठीक है, और यहाँ पर पाई होता है, ठीक है। अब देखिए इधर जब हम जाते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है और इधर जाते हैं हम तो क्या होता है एंगल नेगेटिव होता है, तो हम क्या करेंगे ये पाई बाई टू है तो इसको ले लेंगे अपन माइनस पाई बाई टू और कुछ नहीं करेंगे, क्लियर। अब देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि साइन इनवर्स टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट, किस किस के लिए यूज करेंगे, साइन इनवर्स के लिए, टेन इनवर्स के लिए और कोसेक इनवर्स के लिए, ये दोनों क्वाड्रेंट यूज करूंगा मैं, ठीक है, और कोस के लिए, कोट के लिए और सेक के लिए मैं कौन सा क्वाड्रेंट यूज करूंगा, ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट। अब यहां देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सभी के लिए है, यानी कि साइन इनवर्स आ जाए, कोस इनवर्स आ जाए, टेन इनवर्स आ जाए, सेक इनवर्स आ जाए, ठीक है, कोट इनवर्स आ जाए, कोसेक इनवर्स आ जाए, कोई भी आ जाए, और यदि पॉजिटिव है उसके साथ तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करना है, लेकिन प्रॉब्लम जब आ जाती है नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव में क्या करना पड़ेगा कि देखिए नेगेटिव के लिए साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू होती है, तो माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू मतलब ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट यूज होगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट भी यूज हो सकता है, लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या है, हमारी डेफिनेशन है कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटा, वह छोटी से छोटी वैल्यू थीटा की जो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में होती है। देखिए अब ये जीरो के पास में जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी सबसे, इसलिए हम ये क्वाड्रेंट यूज नहीं कर सकते साइन इनवर्स के लिए, टेन इनवर्स के लिए और साइन टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के लिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट इज अ साइन फॉर द साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इफ नेगेटिव विल कम डेफिनेटली वी गो टू द फोर्थ क्वाड्रेंट और यदि पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मैं बात करता हूं यदि कॉस आ जाए, ठीक है, कोट आ जाए और सेक आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि उसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है जीरो टू पाई है, जीरो टू पाई है मतलब ये दोनों क्वाड्रेंट यूज आएंगे, क्लियर। अब पॉजिटिव हुआ उनमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और नेगेटिव हुआ तो हमें कहां जाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका बिना चेंज किए पाई माइनस, पाई में से कुछ माइनस करूंगा तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या करना पड़ेगा, जीरो में से माइनस करना पड़ेगा, जीरो माइनस समथिंग करेंगे तो वो पहुंच जाएंगे, तो ये छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक को आप पकड़ के रखिए, ठीक है, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट टू है, तो सबसे पहले इसको क्या लेट कर लेता हूं मैं कि साइन इनवर्स है ना माइनस वन अपॉन रूट टू को हम क्या मानेंगे, वाई लेट कर लेंगे, ठीक है। अब इस साइन को उधर ट्रांसफर करो, सो माइनस वन अपॉन रूट टू इक्वल टू कितना कर दिया,
साइन वाई कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता है साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारी प्रिंसिपल ब्रांच कौन सी है, हमारी प्रिंसिपल ब्रांच है फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं जा नहीं सकता हूँ, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो ही जा सकता हूँ, नेगेटिव आया है यहाँ पर, इसका मतलब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे जाएंगे, 0 माइनस करके जाएंगे। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन 0 माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू कितना कर दिया, साइन वाई। तो यहाँ पर साइन से साइन खत्म, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस पाई बाय 4 के बराबर आ गई। क्लियर, आई थिंक सो, समझ में आ गया। कुल मिला के यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये ने प्रोसेस बता दिया कि कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था माइनस पाई बाय 4। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। आपको बोल दिया जाए फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√3/√3/2। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो वही प्रोसेस तो सेम है, कैसे करेंगे इसको देखिए। सॉल्यूशन हम लेट कर लेंगे कि कॉस इनवर्स √3/2 को हमने y लेट कर लिया, तो यहाँ पर कितना आएगा, √3/2 इज इक्वल टू कॉस कितना हो जाएगा, वाई। आप जानते हैं कि कॉस में, कॉस वाली लाइन में जाएंगे, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाय सिक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। और यहाँ पर कोई नेगेटिव का चक्कर भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, सॉरी साइन नहीं, यहाँ पर कॉस आएगा, ये कॉस आएगा, ये कॉस आएगा, ठीक है। ये कॉस कितना हो जाएगा, पाई बाय सिक्स मतलब 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। देखिए कॉस से कॉस खत्म हो गया, यहाँ पर वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, पाई बाय सिक्स के बराबर आ गई। समझ में क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस √3/2 होता तो क्या करते, चलिए इसको करते हैं। तो कॉस इनवर्स √3/2 को हम लेट करेंगे वाई के बराबर, यहाँ पर कितना आएगा, √3/2 इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, कॉस वाई लिख दिया। अब सॉरी ये माइनस का है, यहाँ माइनस है, यह माइनस है, ठीक है। अब देखिए √3/2 तो हमें पता है कॉस में किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय सिक्स की वैल्यू होती है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ पर होती है, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या होगा, पाई माइनस। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉस पाई माइनस पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस वाई, कोस से कोस खत्म, ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाय सिक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई। यहाँ पर सिक्स पाई माइनस पाई डिवाइड बाय सिक्स इज इक्वल टू वाई, सो वाई की वैल्यू आपके पास 5π/6। ये सबसे ज़बरदस्त, यदि आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया, इस चीज़ को मैंने जो बताया, इस कंसेप्ट को फॉलो कर लिया, तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इस टाइप का एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, चाहे वो जेई मेंस का हो, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल, है ना, फोर्थ, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, जैसे हम ले लेते हैं सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स फॉर एग्जांपल ले लिया हमने माइनस √2, ये ले लिया, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको करते हैं, देखिए लेट कर लेते हैं,
कोसेक कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू को हमने y लेट कर लिया, सो माइनस रूट टू, माइनस रूट टू की वैल्यू आपके पास हो गई कोसेक इनवर्स, ठीक है y। यहाँ पर देखिए रूट टू किसकी वैल्यू होती है कोसेक में, कोसेक में रूट टू होती है पाई बाय फोर की वैल्यू, है ना। ये बेटा जो 0 से 90 डिग्री तक स्टैंडर्ड वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, वो सारी वैल्यू आपको बिना पलक झपकाए आपको याद होनी चाहिए। पलक झपकने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चंस में आप परफेक्शन ला पाएंगे। अदरवाइज ऐसे टेबल बनाएंगे और पीछे देखेंगे पेज पलटेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कहता हूँ मैं हमेशा, पढ़ाते वक्त भी कहता हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तब भी कहता हूँ, कोचिंग में पढ़ाता हूँ तब भी कहता हूँ, और यहाँ पर भी कह रहा हूँ कि जो टीचर बोल रहा है यू हैव टू फॉलो, अदरवाइज लाइफ नहीं बनेगी, ठीक है। सो हमें पता है रूट टू किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय फोर की वैल्यू होती है। सो लेकिन नेगेटिव है तो कोसेक के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा हमें, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका जीरो माइनस समथिंग है। सो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, कोसेक कोसेक माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस पाई बाय फोर इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर इन्वर्स नहीं लगेगा, यहाँ पर इन्वर्स नहीं लगेगा, केवल कोसेक वाई आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा कि कोसेक वाई आ गया, कोसेक से कोसेक खत्म, यहाँ पर कितना जाएगा माइनस पाई बाय फोर इक्वल टू, ठीक है वाई आ गया। अब देखिए ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रोसेस मैं इनिशियली लेवल पर पढ़ाता हूँ, इनिशियल लेवल पर पढ़ाता हूँ, लेकिन अब ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें जल्दी जल्दी विद इन सेकेंड आपको आंसर निकालना है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ और ये प्रोसेस बिना प्रोसेस के हम जल्दी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, यहां पर दे दिया हमने टेन इनवर्स माइनस वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ माइनस साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू प्लस सेक इनवर्ट्स टू बाय रूट थ्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अब इतना बड़ा है तो क्या सबको लेट करेंगे, नो। अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करेंगे, है ना। वो प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस आपको इनिशियल लेवल पे पढ़ाया है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग लगाएंगे। देखिए टेन इनवर्ट्स की प्रिंसिपल ब्रांच हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, जीरो माइनस समथिंग, मतलब 10 में 1 किसकी वैल्यू पाई बाय 4, तो ये माइनस पाई बाय 4 हो गया, ठीक है। अब कॉस इनवर्स ये माइनस आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस करके करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने पाई माइनस हाफ किसकी वैल्यू होती 60 डिग्री, 60 को लिखते हैं पाई बाय 3 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पॉजिटिव है इसलिए चिंता वाली बात नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रूट 3 बाय 2 60 की वैल्यू होती, 60 का मतलब कितना जाएगा पाई बाय 3, ठीक है। आगे देखते हैं प्लस, यहाँ पर हमने कर दिया सेक इनवर्स टू बाय रूट थ्री, टू बाय रूट थ्री सेक, सेक मतलब कोस का उल्टा, कोस में रूट थ्री बाय टू जिसकी वैल्यू होती है सेक में सेम वैल्यू होती है, तो कोस में 30 डिग्री वैल्यू होती है रूट थ्री बाय टू, तो सेक की, सेक इनवर्स टू बाय रूट थ्री की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, 30 डिग्री को क्या लिखेंगे पाई बाय 6 लिखेंगे। चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो माइनस पाई बाय फोर प्लस पाई माइनस पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स, देखो इन दोनों टर्म को हम ऐड कर सकते हैं आसानी से, सो माइनस पाई बाय फोर प्लस पाई माइनस ये होगा टू पाई बाय थ्री प्लस कितना पाई बाय सिक्स। अब देखिए एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे, तो कितना एलसीएम आएगा, मैं एलसीएम करके भी बता रहा हूँ, जिस स्टूडेंट को एलसीएम नहीं करना आता है वो भी बता रहा हूँ। तो देखिए 3 4 6, देखिए 3 का 1 यानी कि 4 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 का करेंगे तो 1 है ना, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना कर जाएगा 2 1 और 1,
फोर्थ इज अ 12th. मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको एलसीएम लेके भी बताया, ठीक है. सो फोर्थ इज अ 12th, तो माइनस 3 पाई आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा यहाँ 12 पाई आएगा, ठीक है. यहाँ पर 8 पाई आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा. देखिए सारों को ऐड कर लो जो प्लस वाले हैं, और सारे माइनस वालों को ऐड कर लो. ये कितना है, 12 पाई और 2 पाई 14 पाई, तो 14 पाई तो यहाँ, और 8 और 3 11 है ना, तो माइनस 11 पाई डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 12. सो ये कितना हो गया, 3 पाई बाय 12, 3 पाई बाय 12, या इसको कह सकते हैं पाई बाय 4, 3 जा 12. इसको 3 से कट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो पाई बाय 4 इसका आंसर आ गया पूरे का. तो ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से बनाया बेटा, है ना. मतलब मैंने ये बोला है कि यदि मेरे इस चैनल को या इस वीडियो को आपने फॉलो कर लिया, इसको अच्छे से समझ लिया, मेरे मेथड्स को फॉलो कर लिया, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली इस एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे. नॉट ओनली एनसीईआरटी बट ऑल्सो ऑल द बुक्स, आरडी, आपकी दूसरी बुक, मेरे पास बहुत सारी बुक है. यदि कोई स्टूडेंट जेई मेंस पढ़ना चाहता है तो एक मैं बुक सजेस्ट करूँगा, दिनेश खट्टर, ठीक है. जो दिनेश खट्टर को पढ़ लेगा वो जेई मेंस को आसानी से क्लियर कर लेगा, ठीक है. दिनेश खट्टर है, आरएस सैनी है, ये सारी बुक्स हैं जो मैं पढ़ता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, और मैं ही नहीं जितने भी स्टूडेंट्स जो जेई मेंस पढ़ते हैं वो फॉलो करते हैं, ठीक है. तो यदि जिस स्टूडेंट को जेई मेंस और जेई एडवांस के कंटेंट चाहिए तो भी आप है ना यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाने को तैयार हूँ और उसको भी पढ़ाने को तैयार हूँ, ठीक है. वैसे मैं शॉर्ट ट्रिक्स देता ही हूँ वीडियो के बीच में, तो आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, क्लियर. इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट, और मैं उसका जवाब दूंगा डेफिनेटली. चलिए कुछ क्वेश्चन और करें, है ना. चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मैं नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं, ठीक है. तो एग्जांपल नंबर 6 मींस एग्जांपल करवा रहा हूं इसलिए एग्जांपल नंबर 6, ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ, सो यहां पर लिख दिया मैंने, देखिए कोट इनवर्स माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स माइनस 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ माइनस कोसेक इनवर्स माइनस 2 माइनस कोस इनवर्स यहां पे लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1/√2, ओके. कोस इनवर्स 1/√2 प्लस हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोसेक आ गया, सेक आ गया, कोट आ गया, एक टेन बचा हुआ है, तो टेन भी लिख ही लें, उसको क्यों छोड़ें बेचारे को. माइनस यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/√3. चलिए इसका आप आंसर निकाल के बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है. सो इस क्वेश्चन को करिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू.